वेलकम टू द मार्कर क्लास। और आज हम लोग द मार्कर क्लास में फिजिक्स में जो टॉपिक देखने वाले हैं वो है कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर। तो जेईई मेंस के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक से कोई क्वेश्चन आए ना आए, लेकिन कई बार इस टॉपिक के सपोर्ट से बहुत सारे प्रॉब्लम्स बनते हैं। तो हम लोगों को सबसे पहले ये देखना है कि कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर को हम कितने बेटर तरीके से डील कर सकते हैं। कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर में जिस सब टॉपिक्स को हम कवर करेंगे वो क्या होगा, ब्रेकिंग अ वेक्टर इनटू इट्स कंपोनेंट्स। कंपोनेंट्स में जब हम तोड़ते हैं किसी वेक्टर को, एग्जांपल के लिए हमने पिछले बाइट्स में क्या देखा था, हमने पिछले बाइट्स में देखा था कि दो या दो से अधिक वेक्टर्स को हम ऐड करते हैं तो हमें एक रिजल्टेंट मिलता है। इस बार हम क्या देखने वाले हैं कि जब हम एक वेक्टर को तोड़ देते हैं तो उससे हमको क्या मिलता है, दो या दो से अधिक कंपोनेंट्स मिल सकते हैं। तो यहां पर दो या दो से अधिक कंपोनेंट्स मिल सकते हैं तो हम उनको कंपोनेंट्स कहते हैं। तो याद रखिएगा, दो या दो से अधिक वेक्टर को अगर जोड़ेंगे तो एक रिजल्टेंट होता है, एक वेक्टर को तोड़ेंगे तो उसका कंपोनेंट्स होता है। अब कंपोनेंट्स भी दो तरह के होते हैं, एक रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, दूसरा एंगुलर कंपोनेंट्स। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स क्या होता है इसके बारे में हम बात करेंगे। दूसरी बात, अगर हम ये कहें कि क्या एक वेक्टर को कितने सारे कंपोनेंट्स में तोड़ सकते हैं, तो एक वेक्टर को हम इनफाइनाइट कंपोनेंट्स में तोड़ सकते हैं। कंपोनेंट्स का मीनिंग क्या होता है, इन सब चीजों पर और इन सारे के सारे सब्जेक्ट्स पर आज हम बात करेंगे इन वीडियो में। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पर कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर में हम लोग सबसे पहले देखेंगे ब्रेकिंग अ वेक्टर इनटू इट्स कंपोनेंट्स, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, एंगुलर कंपोनेंट एंड साइन लॉ। एप्लीकेशन ओनली, नो डेरिवेशन। हम यहाँ पर साइन लॉ का एप्लीकेशन क्यों देखेंगे, इसका डेरिवेशन क्यों नहीं देखेंगे, इसलिए नहीं देखेंगे क्योंकि हमने अभी तक क्रॉस प्रोडक्ट की चर्चा नहीं की है। तो हम जब क्रॉस प्रोडक्ट की चर्चा कर लेंगे तब साइन लॉ का हम डेरिवेशन भी करेंगे। अभी फिलहाल हम लोग केवल इसके रिजल्ट को देखेंगे, एनालाइज करेंगे और इसको कैसे अप्लाई कर सकते हैं इसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं, है ना। देखा जाए तो यहां पर देखिए, सबसे पहले ब्रेकिंग अ वेक्टर इनटू इट्स कंपोनेंट्स। ब्रेकिंग द वेक्टर इनटू इट्स कंपोनेंट्स, ठीक है। चलिए हम लोग इसको देखते हैं, थोड़ा सा इसको हम लोग और अच्छा बना लेते हैं। हाँ, ये देखिए अब सही लिखा रहा है ना। ठीक है, तो चलिए देखते हैं ब्रेकिंग द वेक्टर इनटू इट्स कंपोनेंट्स। तो इसमें होता क्या है इसके बारे में हम लोग समझ लेते हैं। देखिए यहां पर सबसे पहले हम एक वेक्टर बना लेते हैं। तो वेक्टर बना करके देखते हैं, यहां पर देखिए ये एक वेक्टर है, सिंपल सा एक वेक्टर। इस वेक्टर का आपको जो मन करे वो नाम दे दीजिए, वेक्टर ए। एकदम कंपोनेंट में तोड़ना, एकदम इनिशियल पॉइंट से स्टार्ट करेंगे, स्टार्टिंग फ्रॉम स्क्रैच। ये एक वेक्टर है जिसका नाम है वेक्टर ए। हम क्या करने वाले हैं, यहां पर दो एक्सेस बना देंगे। क्या बना देंगे, एक्सेस। इसको एक्सेस कहा जाता है, ए एक्स ई एस। एक्सेस का मतलब होता है एक्सेस का प्लूरल। तो यहां पर देखिए एक्सेस, तो ये है एक्स एक्सिस और ये है वाई एक्सिस। फिलहाल के लिए हम क्या करना चाहते हैं कि वेक्टर ए को इसके दो कंपोनेंट्स में तोड़ेंगे, ठीक है। और जिस कंपोनेंट में तोड़ेंगे उसको हम क्या कह सकते हैं, उसको हम रेक्टेंगुलर कंपोनेंट कहते हैं। ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए क्योंकि एक बात समझिए, ये एक वेक्टर, तो ये वेक्टर को क्या हम इन दोनों वेक्टर्स में नहीं तोड़ सकते हैं, हाँ भाई तोड़ सकते हैं। क्या इन दोनों वेक्टर्स में नहीं तोड़ सकते हैं, हाँ तोड़ सकते हैं। क्या इन दोनों वेक्टर्स में नहीं तोड़ सकते हैं, हाँ तोड़ सकते हैं। इन दोनों वेक्टर्स में हाँ, इन दोनों वेक्टर्स में हाँ, इन दोनों वेक्टर्स में हाँ। कुल मिला के कितने कंपोनेंट्स हो सकते हैं, इनफाइनाइट। हम यहाँ पे कितने लाइन खींच सकते हैं, इनफाइनाइट। तो सबसे पहले बात, इस बात को दिमाग में एकदम अच्छे से रखना है कि एक वेक्टर के इनफाइनाइट कंपोनेंट्स हो सकते हैं। कंपोनेंट का मतलब वेक्टर को तोड़ेंगे तो कंपोनेंट मिलेगा, दो या दो से अधिक वेक्टर को जोड़ेंगे तो रिजल्टेंट मिलेगा। कंपोनेंट वर्ड जो है वो रिजल्टेंट का उल्टा है, ठीक है। तो यहां तक तो सब कुछ ठीक है। तो हम लोगों को यहाँ पे क्या देखना है, अभी वो देखिए कि एक वेक्टर के इनफाइनाइट कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है। अब जब इस वेक्टर के इनफाइनाइट कंपोनेंट्स होते हैं तो इन कंपोनेंट्स में, जैसे ये कोई वेक्टर है ए,
इसके दो कंपोनेंट हम लोग ले लिए, इसका नाम A1 और इसका नाम A2 रख देते हैं। तो ये A1 और A2 किसी एंगल पे है, ये किसी एंगल पे है, मान लीजिए ये थीटा 1 पे है या ये थीटा 2 पे है, तो इसको हम एंगुलर कंपोनेंट्स कहते हैं। एंगुलर कंपोनेंट्स मतलब एट एनी रैंडम एंगल। बट अगर हम बात करें कि ये कोई वेक्टर है A और इसके दो कंपोनेंट्स कर दिए जाएं, और ये दोनों कंपोनेंट्स मान लीजिए ये है AX और ये है AY, तो ये दोनों कंपोनेंट अगर एक दूसरे पे 90 डिग्री पे रहे तो इन्हें हम कहते हैं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। इन्हें हम क्या कहते हैं? रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। तो ये है रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, ठीक है। तो जनरली हम किसी भी वेक्टर को रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में या एंगुलर कंपोनेंट में तोड़ सकते हैं। तो हम लोग यहां पर देखेंगे कि अगर तोड़ेंगे तो क्या होगा, ठीक है। तो चलिए फिर देखते हैं, इसको हम लोग हटाते हैं और हम लोग समझते हैं कंपोनेंट्स के बारे में। तो ये देखिए एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ये एक वेक्टर है जो एट एन एंगल थीटा है फ्रॉम एक्स एक्सिस। हमें क्या करना है, इसको दो कंपोनेंट्स में तोड़ना है। कैसे कंपोनेंट्स? ये होगा रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट क्या होता है, इस कंपोनेंट का, इस वेक्टर का एक कंपोनेंट एक्स एक्सिस में जाएगा, दूसरा वाई एक्सिस में। इट्स नॉट नेसेसरी कि ये हमेशा एक्स और वाई एक्सिस में ही रहे, बट नेसेसरी ये है रेक्टेंगुलर कंपोनेंट होने के लिए कि दोनों कंपोनेंट एक दूसरे पे 90 डिग्री पे रहे, चाहे किसी भी डायरेक्शन में रहे। तो यहां पर देखिए हम करने वाले क्या है, अगर हम इस वेक्टर को एक्स एक्सिस में प्रोजेक्ट करें तो हम ऐसे ही प्रोजेक्ट करेंगे, है कि नहीं। ये देखिए ये है प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए अलोंग एक्स एक्सिस। उसी तरह से अगर हम इसी वेक्टर को वाई एक्सिस में प्रोजेक्ट करें तो दिस इज प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए अलोंग वाई एक्सिस। तो इसका नाम क्या रखा जाए, इसका नाम रख दिया जाए ए एक्स, दैट इज वेक्टर ए अलोंग एक्स एक्सिस, दिस इज वेक्टर बी, सॉरी वेक्टर ए इटसेल्फ अलोंग वाई एक्सिस। अब एक चीज आपको बताया जाए, यहां पर एक्स एक्सिस जो होता है उसके लिए हम एक यूनिट वेक्टर को डिफाइन करते हैं, उसको आई कैप कहते हैं। क्या कहते हैं? आई कैप। मतलब अगर हम किसी भी वेक्टर, कोई भी वेक्टर आप ले लीजिए, मान लीजिए पी कोई वेक्टर है, तो ये पी वेक्टर है, मान लीजिए ये पी वेक्टर अगर एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है तो हम इसे पी आई कैप भी कह सकते हैं। उसी तरह से अगर ये कोई वेक्टर है क्यू और ये अगर वाई एक्सिस के अलॉन्ग है तो हम वाई एक्सिस को डिनोट करने के लिए जे कैप का यूज करते हैं। जब भी कहीं किसी वेक्टर नोटेशन में जे कैप लिखा रहे तो आप समझ जाएगा वेक्टर अलॉन्ग वाई एक्सिस है। सिमिलरली अलॉन्ग जेड एक्सिस मान लीजिए कि कोई वेक्टर है आर और वो वेक्टर है जेड एक्सिस में, तो हम जेड एक्सिस के लिए यहां पर के कैप यूज करते हैं, ठीक है। तो पी इज इक्वल टू पी आई कैप, वेक्टर क्यू इज इक्वल टू क्यू जे कैप, वेक्टर आर इज इक्वल टू आर के कैप। ये आई कैप का मतलब अलोंग एक्स एक्सिस, जे कैप का मतलब अलोंग वाई एक्सिस, के कैप अलोंग जेड एक्सिस होगा। चलिए तो अगर हम लोग ये सीख गए हैं तो देखिए वेक्टर को डिनोट करने का भी ये तरीका सीख गए। या तो वेक्टर के ऊपर पूरा एरो लिखिए या फिर वेक्टर का मैग्नीट्यूड लिखिए और उसके बगल में आई जे या के लगा करके आप बता सकते हैं कि एक्स एक्सिस में है, वाई एक्सिस में या जेड एक्सिस में। अब इसी कॉन्सेप्ट को यूज करके हम लोग यहां पर निकालेंगे कॉम्पोनेंट्स में कैसे ब्रेक करते हैं, ठीक है। चलिए फिर देखते हैं एकदम आराम से, कहीं कोई हड़बड़ी नहीं होना चाहिए, एकदम आराम से हम लोग सीखेंगे। तो ये देख सकते हैं आप, दिस इज प्रोजेक्शन ऑफ ए अलोंग एक्स एक्सिस, इसका कुछ नाम भी हो जाए तो मजा आ जाए। तो ये मान लीजिए ओ, ये है ए, इसका नाम अगर ए रखेंगे ना तो मजा नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि वो कंफ्यूजन देगा। तो हम लोग एक काम करते हैं ना, ओ बी कर देते हैं, इसको सी कर देते हैं, इसको डी कर देते हैं। तो अब यहां पर आप देख सकते हैं OB क्या है, वेक्टर A। वेक्टर A को हमने क्या किया है, दो कंपोनेंट्स में तोड़ा है, एक AX along X axis, AY along
y-axis. y-axis क्या along है, तो इसका यूनिट वेक्टर क्या होगा, j कैप। और अब हम लोग इसको दिखा कैसे सकते हैं, तो आप एक चीज देखिए, यहां पर आप देखिए, मान लीजिए अगर हम बोलते हैं दिस इज वेक्टर ए, कोई भी रैंडम वेक्टर ए है, एंड दिस इज वेक्टर बी, ये कोई भी रैंडम वेक्टर बी है, तो इन दोनों को जोड़ते हैं तो रिजल्टेंट क्या आता है, वेक्टर आर, ये रिजल्टेंट है। सिमिलरली यहां पर हम एक वेक्टर है ए, हम इसको वेक्टर को ए ले लिए, अब क्या करने वाले हैं, इसको तोड़ देने वाले हैं, तो इसका एक्स कॉम्पोनेंट है, वाई कॉम्पोनेंट है, तो एक्स कॉम्पोनेंट को हम लोग क्या लिखेंगे, ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप, ये आई कैप और जे कैप में टूट गया, एकदम सिंपल है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का यूज करेंगे। ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का यूज कैसे कर सकते हैं, तो इसको भी हम लोग देखते हैं। चलिए, तो फिलहाल तो आप देख लिए कि ये वेक्टर ए है, इस वेक्टर ए को हम दो कंपोनेंट में तोड़ दिए, एक वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस है, दूसरा वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस है। एक्स एक्सिस से ये बताने के लिए हमने क्या यूज किया है, आई कैप, और वाई एक्सिस ये बताने के लिए क्या यूज किया है, जे कैप। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, देखिए, तो ये जो हमने सीख लिया, अब इसके बारे में हम लोग बात करते हैं, एक मिनट। यहां रख दिया जाए इसे, है ना, और यहां पे लिख भी दिया जाए, वेक्टर ब्रोकन इट्स टू, ब्रोकन इनटू इट्स टू कंपोनेंट्स, ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप, इजीली यहां पर आप देख रहे होंगे, ये आपको विजिबल होगा। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, और अब इसको हम ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन में कैसे तोड़ेंगे, ये देखिए यहां पर, तो हम लोग फिर से एक बार इसी को हम लोग ले आते हैं, इसमें क्या दिक्कत है, ठीक है, इसी को हम लोग एक बार ले आते हैं, देखिए, ठीक है, हाँ, इसको हम लोग एक और काम कर सकते हैं, सेलेक्ट कर लेते हैं और इसको उठा करके हम लोग यहां रख देते हैं, ठीक है, और यहां से आप हम लोग काम कर सकते हैं। चलिए काम करके देखते हैं, तो एक चीज बताइए, इन ट्राइंगल, इन ट्राइंगल ओ सी बी, ओ सी बी, हम इस ट्राइंगल को लेते हैं ओ सी बी, उसमें हम बात करते हैं पहले साइन थीटा की, तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। अब यहां पर साइन थीटा, थीटा कहां है, वो ये है, तो उसके लिए परपेंडिकुलर क्या होगा, तो इस बात को ना कई बच्चे नहीं समझते हैं या कई बच्चे इसको मिस इंटरप्रीट करते हैं, तो मैं आपको एक बात बताता हूं, यहां सुनिए, मान लीजिए ये कोई राइट एंगल ट्राइंगल है, और भी एक राइट एंगल ट्राइंगल बना करके देख लेते हैं, अच्छा रहेगा, ये भी एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है, इसका नाम रख देते हैं ए बी सी, ठीक, एक्स वाई जेड। अगर हम बोले ये थीटा है, तो याद रखिएगा थीटा के सामने वाला साइड हमेशा परपेंडिकुलर होता है, ठीक है, 90 डिग्री के सामने वाला साइड हमेशा हाइपोटेन्यूस होता है, और जो साइड बच गया वो होता है बेस। फिर से मान लीजिए अगर ये थीटा है, तो थीटा का सामने वाला साइड हमेशा परपेंडिकुलर होता है, 90 डिग्री के सामने वाला साइड हाइपोटेन्यूस होता है, और जो बच गया वो बेस होता है, ठीक है, यहां पर हमेशा याद रखिएगा। मींस अगर मैं यहां पर एक राइट एंगल ट्राइंगल बना दूं ए बी सी, और अगर हम आपसे ये पूछते हैं कि बताइए इसमें परपेंडिकुलर क्या है, बेस क्या है, हाइपोटेन्यूस क्या है, हाइपोटेन्यूस नो डाउट आप बता सकते हैं कि 90 डिग्री के सामने वाला साइड हाइपोटेन्यूस है, लेकिन अगर आपसे पूछा जाए बेस ऑफ परपेंडिकुलर क्या है, तो आप कहिएगा यहाँ पर थीटा डिफाइन नहीं है, क्या नहीं है, थीटा डिफाइन नहीं है, इसलिए हम नहीं बता सकते हैं कि इन दोनों में कौन बेस है और कौन परपेंडिकुलर। आप फिर हम बताते हैं कि नहीं 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 एक काम करते हैं, ये थीटा है, अब बताइए कि परपेंडिकुलर कौन है, तो सिंपल, थीटा के सामने वाला साइड परपेंडिकुलर और अलोंग साइड बेस, खत्म, कितना इजी है, कुछ भी नहीं है। तो चलिए अगर हम लोग ये समझ गए हैं, तो हम लोग आराम से इसके बारे में बात कर सकते हैं, ठीक है,
तो यहां पर देखा जाए, देखिए क्या, तो यहां पर साइन थीटा इज इक्वल टू पी बाई एच बेसिकली, सॉरी बेसिकली पी, तो देखिए थीटा ये है तो पी ए होगा और एच 90 डिग्री के सामने वाला ओबी, अच्छी बात। तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, बी सी, हमको बी सी पता नहीं है, और ओबी, ओबी ये वेक्टर है ना, इस वेक्टर का हम क्या ऐसे लिख सकते हैं, ए ए कैप, जहां पे ए क्या है उसका मैग्नीट्यूड और ए कैप क्या है उसका डायरेक्शन, कोई भी रैंडम डायरेक्शन ए कैप। तो यहां पर हम लोगों को क्या चाहिए, ये एच क्या है, हाइपोटेन्यूस, हाइपोटेन्यूस क्या होता है, लेंथ, तो ये जो वेक्टर का लेंथ है वही मैग्नीट्यूड होता है, तो यहां पर हम सीधे सीधे ए लिख देंगे। तो बी सी इज इक्वल टू क्या होगा, बी सी इज इक्वल टू होगा ए साइन थीटा, बोलिए होगा कि नहीं, एकदम सिंपल, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह से ये BC का अगर वैल्यू मिल गया तो दिस इज इक्विवेलेंट टू OD, मतलब कि A वेक्टर का Y कंपोनेंट AY जो है उसका वैल्यू मिल गया, या AY कंपोनेंट जो है उसका वैल्यू हमको मिल गया, तो BC इज इक्वल टू AY, हो गया बात खत्म। अब आते हैं नेक्स्ट, इसको भी समझ लीजिए, ठीक है, देखिए इसी ट्राइंगल में, सेम इन ट्राइंगल OCB cos थीटा निकाल लेते हैं, तो cos थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, बेस बाय हाइपोटेन्यूस, इस थीटा के लिए बेस कौन होगा, देखिए परपेंडिकुलर तो ये हो गया, 90 डिग्री ये है तो इसके सामने वाला हाइपोटेन्यूस होगा, तो थीटा के अलोंग साइड को हम बेस कहते हैं, यही बेस होगा, तो बेस को क्या लिखेंगे, बेस बाय हाइपोटेन्यूस OB, चलिए ठीक है। तो cos थीटा इक्वल्स OC, हमें नहीं पता लेकिन ये पता है कि OC को AX कहा जाता है, यहां पे लिख देते हैं AX डिवाइडेड बाय OB, OB क्या है यहां पर, OB क्या है यहां पर, OB है A, तो कुल मिलाकर के, सॉरी यहां पर हम लिख सकते हैं AX इज इक्वल टू A cos थीटा, बोलिए लिख सकते हैं कि नहीं, तो यहां पर देखिए ay is equal to a sin theta, ax is equal to a cos theta, हमें पता चल गया, तो यहां पर हम लोग लिख सकते हैं अब, ठीक है, यहां पर लिख देते हैं ax का वैल्यू क्या है, a cos theta, उसी तरह से ay का वैल्यू क्या है, ए साइन थीटा, होगा कि नहीं, बिल्कुल होगा, एकदम होगा सर, तो आगे बढ़ सकते हैं हम लोग, हाँ सर बिल्कुल बढ़ सकते हैं, ठीक है, तो हम लोग अब आगे बढ़ सकते हैं। तो हम इस वेक्टर को, हम इस वेक्टर ए को इसके कंपोनेंट्स में तोड़े थे और लिखे थे ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप, now we have the value of component ax and ay which we can easily put it over here, to ax ka value kya hai, a cos theta, to yahan par hum kya likhenge, a cos theta I cap plus a sin theta j cap, so this is how we can easily break a vector into its components, और ये इतना आसान है। तो ये कैसा कंपोनेंट है, ये रेक्टेंगुलर कंपोनेंट है, ये कैसा है, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, कैसे पता चलता है, सिंपल, आई कैप अलोंग एक्स एक्सिस, जे कैप अलोंग वाई एक्सिस, एक्स और वाई के बीच का एंगल कितना होता है 90 डिग्री, तो जब भी किसी वेक्टर को आप तोड़ते हैं उनके कॉम्पोनेंट्स में और कॉम्पोनेंट्स के बीच का एंगल 90 डिग्री हो तो इसे हम रेक्टेंगुलर कॉम्पोनेंट्स कहते हैं, मगर हर बार ये जरूरी नहीं है कि हम रेक्टेंगुलर कॉम्पोनेंट्स में ही तोड़े, ऐसा भी हो सकता है कि हम किसी एंगुलर कंपोनेंट्स में भी उसको तोड़ सकते हैं, उसके बारे में भी हम लोग यहां पर देखेंगे। सो दिस इज हाउ वी कैन इजीली अंडरस्टैंड हाउ कंपोनेंट ऑफ वेक्टर वर्क्स एंड हाउ वी कैन ब्रेक अ वेक्टर इनटू इट्स कंपोनेंट्स, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। चलिए फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि हम लोगों के पास
नेक्स्ट क्या है यहाँ पर, देखिए ब्रेकिंग अ वेक्टर इनटू इट्स कंपोनेंट्स, इसके बारे में भी हम और भी देखेंगे, चर्चा करेंगे। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स के बारे में हम लोगों ने देखा, अब क्या करते हैं इसके बारे में हम थोड़ा सा और एनालिसिस करते हैं और देखते हैं कि रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स के और क्या क्या एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखा जाए, देखिए एक छोटा सा एग्जाम्पल, ये एक वुडन वेज है, ट्रायंगुलर वेज, यहां पर कोई ऑब्जेक्ट रख देते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत, और ये जो वेज का एंगल ऑफ इलेवेशन है ये है थीटा, वेल एंड गुड। अब क्या करते हैं हम वो भी देख लीजिए, मान लीजिए इस मास का, इस बॉडी का जो मास है वो है एम, तो इसका एक वेट होगा एम जी, इस बारे में हम पढ़ेंगे जब हम लॉज ऑफ मोशन पढ़ेंगे, बट अभी जस्ट फॉर द टाइम बीइंग आप इस बात को याद रखिए कि कुछ भी हो जाए, हम आपको यहां पर दो चार एग्जाम्पल देना चाहेंगे। अगर ये तीनों मास m है, ये भी m, ये भी m, ये भी m, अलग अलग प्लेन में है, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन और ये दोनों स्लैंट प्लेन है, तो इसका भी mg डाउनवर्ड ही होगा, mg मतलब वेट, मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसमें भी mg और इसमें भी mg, mg जो फोर्स होता है वो हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड लगता है, हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड लगता है, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो किस तरह के प्लेन में है। ठीक है, तो चलिए फिर अब हम लोग देखते हैं आगे, हम लोग आज कंपोनेंट्स में तोड़ना बिल्कुल अच्छे तरीके से सीखेंगे, मतलब ऐसा कि हमको कंपोनेंट्स में तोड़ने में कभी कोई दिक्कत ना आए। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर हम लोगों को करना क्या है, तो ये mg है और हम लोगों को इसे दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में ब्रेक करना है, तो आसानी से कर सकते हैं, देखिए इसका एक कंपोनेंट इधर जाएगा, दूसरा कंपोनेंट इधर आएगा, जाएगा कि नहीं, एक मिनट, इसको और अच्छे से दिखाने के लिए हम एक काम करते हैं, ये गया, ये रहा mg, ठीक है, अब देखिए इसी को हम दो कंपोनेंट में तोड़ सकते हैं, तो ये अगर थीटा है तो ये भी थीटा होगा, कैसे सर, कैसे होगा, ये भी तो सवाल है, वो कैसे होगा, चलिए इसके बारे में भी हम लोग एक बार अच्छे से देख लेते हैं, ये कैसे होगा भाई, इस तरह का जो डाउट ये कभी नहीं होना चाहिए, इसलिए हम लोग इसको और अच्छे तरीके से देखेंगे, थोड़ा बड़ा फिगर बना के देखेंगे ताकि हमें इसे समझने में कोई परेशानी ना हो। ये देखिए एंगल थीटा, ये कोई पॉइंट मास जिसका मास है एम, और इसका मास कितना है एम, और यहां पर एक फोर्स लग रहा है एम जी, इतना बड़ा अगर हम ना भी बनाए तो, क्योंकि हम उसको जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे, तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं ना, ऐसे बना देते हैं, ये हो गया एम जी। ठीक है भाई, अच्छी बात, यहां देखिए इसको पूरा मिला दिया गया, हाँ भाई मिला दिया गया, ये थीटा है, ये 90 डिग्री है, तो ये कितना एंगल होगा, देखिए ये थीटा, ये 90 डिग्री, तो ये कितना होगा, तीनों एंगल मिला के कितना होना चाहिए, मान लीजिए ये अल्फा है, तो तीनों एंगल मिला के कितना होना चाहिए, थीटा प्लस अल्फा प्लस 90, तीनों मिला के होना चाहिए 180 डिग्री, अच्छी बात, इसको इधर ले चलते हैं, तो थीटा प्लस अल्फा कितना होना चाहिए, 90 डिग्री, क्यों, क्योंकि ये 90 इधर जाएगा, 180 माइनस 90 कितना होगा, इतना। अब देखिए यहाँ पर हमको अल्फा चाहिए, तो अल्फा इज इक्वल टू क्या होगा, 90 माइनस थीटा, सो वेल एंड गुड, ये है 90 माइनस थीटा, तो हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं 90 माइनस थीटा, ठीक है, यहाँ पे क्या लिखेंगे, ये एंगल कितना है 90 माइनस थीटा, चलिए बहुत अच्छी बात। अब इस वेक्टर को हम दो कंपोनेंट में तोड़ेंगे, एक कंपोनेंट इस प्लेन से परपेंडिकुलर जाएगा, दूसरा कंपोनेंट इसी प्लेन से पैरेलल जाएगा, ठीक है, तो अब देख सकते हैं आप, हम बता ही रहे हैं कि ये जो कंपोनेंट है इस प्लेन से 90 डिग्री पे है, जिसमें कि ऑलरेडी 90 माइनस थीटा हो गया है, तो ये थीटा होगा, होगा कि नहीं, क्योंकि ये दोनों मिला करके 90 है, तो 90 माइनस थीटा प्लस थीटा दोनों मिला करके कितना हुआ 90 डिग्री, तो इसलिए अगर ये 90 माइनस थीटा है
ये थीटा होगा, ठीक, बहुत अच्छी बात। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, ये क्या हो गया, इसको हम लोग पहले क्लियर कर दें। और हम लोग समझ रहे थे कि कैसे ये थीटा होगा, तो ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा। उस केस में इस बात को हमेशा याद रखिएगा, हमेशा याद रखिएगा। क्या, थोड़ी देर पहले ही हम लोगों ने देखा है, अगर ये वेक्टर ए है और ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये एंगल थीटा, तो इसका एक कॉम्पोनेंट कहाँ जा रहा है, एक्स एक्सिस में, नाम क्या है, ए एक्स। इसका दूसरा कॉम्पोनेंट कहाँ जा रहा है, वाई एक्सिस में, नाम क्या है, ए वाई। ए एक्स का वैल्यू क्या आया था, ए कॉस थीटा। ए वाई का वैल्यू क्या आया था, ए साइन थीटा। तो इसको बार बार निकालने की जरूरत नहीं है, इसका एक ट्रिक पकड़ सकते हैं और ट्रिक पकड़ करके आप आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। सुनिए वो ट्रिक क्या है, ट्रिक ये है, अभी फिलहाल के लिए हम लोग इसको मिटा देते हैं, इतना जब हम समझ गए हैं इसको तो हम अप्लाई कर ही सकते हैं। तो इसका ट्रिक पहले हम लोग समझ लेते हैं। देखिए ट्रिक क्या है, ये देखिए फिर से ध्यान से, ये क्या है भाई, वेक्टर ए, इस बार ये एंगल हम यहां से लेंगे, ठीक है। पिछली बार ये एंगल, वेक्टर ए का एंगल एक्स एक्सिस से लिया गया था, इस बार वेक्टर ए का एंगल वाई एक्सिस से लिया गया है। इट इज स्टिल एक्स एक्सिस, दिस इज स्टिल वाई एक्सिस, ठीक है भाई, अच्छी बात। इसका एक कंपोनेंट हम लोग ले लेते हैं, कहां, एक्स एक्सिस में। इसका दूसरा कंपोनेंट ले लेते हैं, कहां, वाई एक्सिस में। इसका नाम क्या रखेंगे, ए एक्स। इसका नाम क्या रखेंगे, ए वाई, ठीक है भाई। तो अगर यहां भी आई कैप लिख दे, तो आई कैप का मतलब होता है ए एक्स कॉम्पोनेंट इज अलॉन्ग एक्स एक्सिस, यहां जे लिख दे तो इसका मतलब होता है ए वाई कॉम्पोनेंट इज अलॉन्ग वाई एक्सिस, बहुत सुंदर। तो अब सुनिए, थीटा किस कंपोनेंट के कांटेक्ट में है, तो यहां पर एक्स कंपोनेंट के कांटेक्ट में था। थीटा जिस कंपोनेंट के कांटेक्ट में होता है वो कॉस कंपोनेंट होता है, यहां पर थीटा वाई के कंपोनेंट में है तो वाई इस बार कॉस कंपोनेंट होगा। तो हम लोग यहां पे क्या लिखने वाले हैं, ए कॉस थीटा आई कैप, ए वाई की जगह क्या लिखे, ए कॉस थीटा। क्यों भाई, इसलिए क्योंकि ये जो वेक्टर का एंगल लिया गया है वो y कंपोनेंट है। तो याद रखिएगा, थीटा जिस कंपोनेंट के साथ होता है, थीटा जिस कंपोनेंट के साथ होता है वो y कंपोनेंट, वो cos कंपोनेंट होता है, वो cos कंपोनेंट होता है, ठीक है। थीटा जिस कंपोनेंट से दूर होता है वो sin कंपोनेंट होता है, थीटा जिस कंपोनेंट से दूर होता है। देखिए यहां पे हम गलती से क्या लिख दिए हैं, i कैप, ये तो गलत है, नहीं होना चाहिए यहां पे, अब ठीक है। इसको हम लोग क्या बना देंगे, J कैप, और ये क्या हो गया, I कैप। तो इस बात को याद रखिएगा, बस इतना बात याद रखिएगा, I कैप क्या बताता है, along x axis, always along x axis, always along x axis, J कैप along y axis, K कैप along z axis, ठीक है, बहुत अच्छी बात। बाकी बचा कंपोनेंट में जब हम तोड़ते हैं तो कहां साइन कंपोनेंट होगा, कहां कॉस कंपोनेंट होगा। थीटा जिस कंपोनेंट के साथ होता है वो हमेशा कॉस कंपोनेंट होता है, थीटा जिस कंपोनेंट से दूर होता है वो साइन कंपोनेंट होता है। फिर से एक बार, थीटा जिस कंपोनेंट के साथ होता है वो कॉस कंपोनेंट होता है, थीटा जिस कंपोनेंट से दूर होता है वो कंपोनेंट साइन कंपोनेंट होता है। अगर हम इस बात को समझ रहे हैं और अच्छे से समझ चुके हैं तो हम लोग आगे बढ़ने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। चलिए फिर से वेज वाले प्रॉब्लम में आते हैं। ये है रेक्टेंगुलर वेज, ये है थीटा, अच्छी बात, ये है कोई मास एम, ये एम जी, इस एम जी को हमको क्या करना है, दो कंपोनेंट में तोड़ना है। कैसे कंपोनेंट, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, तो इसका ऐसे तोड़ेंगे कि इसका एक कंपोनेंट प्लेन से परपेंडिकुलर हो जाए और दूसरा कंपोनेंट प्लेन से पैरेलल हो जाए। ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, जैसा कि हमने थोड़ी देर पहले ही देखा है। तो अगर ये थीटा है तो थीटा जिस कंपोनेंट के साथ है वो कौन सा कंपोनेंट है, कॉस कंपोनेंट। तो यहां देखिए ये mg है ना, तो ये क्या होगा, mg cos थीटा, और ये क्या होगा, mg sin थीटा। क्या यहां पर x एक्सिस y एक्सिस है, नहीं है, तो फिर ij लिख सकते हैं, मत लिखिए, कोई दिक्कत नहीं। तो क्या लिख सकते हैं, जो मन में आए लिख दीजिए, यहां पर आप इसको n कैप लिख दीजिए, यहां पे इसको m कैप लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है।
लेकिन कैप ये बताता है कि ये कोई डायरेक्शन है, लेकिन आई कैप, जे कैप और के कैप ये स्पेसिफिकली बताता है कि एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस है। बाकी एन कैप और एम कैप क्या बताता है? कोई भी रैंडम डायरेक्शन है, ठीक है। तो इस तरह से हमने क्या देखा कि एम जी को हमने दो कॉम्पोनेंट में तोड़ दिया। इसका एक कॉम्पोनेंट क्या है? एम जी कॉस थीटा एन कैप कर देते हैं, प्लस एम जी साइन थीटा एम कैप कर देते हैं। बोलिए कैसा रहा? एकदम ठीक, बहुत अच्छा। चलिए हम इसको और एक एग्जांपल से सीखते हैं। यहां पर देखिए, मान लीजिए कि ये कोई एंगल है बीटा और ये कोई मास, तो यहां पर इसका जो वेट होगा वो कितना होगा? mg, ठीक है। इसको दो कंपोनेंट में तोड़ना है, तो इसको हम ऐसे तोड़ेंगे कि इसका एक कंपोनेंट प्लेन से परपेंडिकुलर जाए और दूसरा कंपोनेंट प्लेन से पैरेलल जाए। ये अगर बीटा है तो ये एंगल भी बीटा होगा, बहुत अच्छी बात। एंगल जिस कंपोनेंट के साथ रहता है, मतलब ये बात थीटा की नहीं है, एंगल की है, किसी भी एंगल की, एंगल जिस कंपोनेंट के साथ रहता है वो कॉस कंपोनेंट होता है। तो यहां पर क्या लिखने वाले हैं हम लोग? एम जी कॉस बीटा, और इस जो भी कंपोनेंट इस बीटा से दूर होगा उसको हम क्या लिखेंगे? एम जी साइन बीटा। कितना सिंपल था, कोई दिक्कत नहीं। तो यहां पर हम क्या करने वाले हैं? एम जी वेक्टर जो है इसको हम दो कंपोनेंट में तोड़ सकते हैं, तोड़ चुके हैं। एक होगा एम जी कॉस बीटा, अगर हमको लिखना होगा यहाँ पे एन कैप तो एन कैप लिख देंगे, और यहां पर क्या लिखेंगे? एम जी साइन बीटा, इसको एम कैप लिख देंगे, बात खत्म। कितना आसान था, कोई दिक्कत हुआ नहीं। चलिए ठीक है, अब हम लोग एक और चीज देखते हैं, एक और तरीके से इसको एनालाइज करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। देखिए मान लीजिए ये कोई रिजिड सपोर्ट है, आप समझिए कितने तरीके से हम इसको एनालाइज कर सकते हैं। मान लीजिए ये कोई रिजिड सपोर्ट है, इस सपोर्ट से हम दो धागा लटका दिए, इन दो धागा से दो स्फीयर को भी लटका दिए, अच्छी बात है, ये मेटालिक स्फीयर है और इन दोनों में चार्जेस हैं, इसमें भी प्लस क्यू चार्ज है और इसमें भी प्लस क्यू चार्ज है, तो प्लस प्लस आपस में क्या करेगा? रिपेल करेगा। तो रिपेल होने के बाद ये कैसा दिखेगा, चलिए उसको भी देख लेते हैं। तो रिपेल होने के बाद ये कुछ ऐसा दिखेगा, देखिए ऐसा और ऐसा, ठीक है। तो इसका मास कितना है? एम, अच्छी बात। इसमें चार्ज कितना था? प्लस क्यू। ये क्या है? ये ना एक फोर्स होता है जिसको हम टेंशन फोर्स कहते हैं। टेंशन फोर्स का मतलब क्या होता है? टेंशन भी एक तरह का फोर्स होता है जो केवल स्ट्रिंग धागे में लगता है, रस्सी में लगता है। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ओरिजिन का फोर्स होता है, और इसके बारे में भी डिटेल में हम लोग कब पढ़ेंगे? जब हम लॉज ऑफ मोशन पढ़ेंगे, ठीक है। अभी फिलहाल के लिए हम जान लें कि ये अगर मास है तो ये टेंशन फोर्स है। टेंशन फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर टाइटनेस इन द स्ट्रिंग, लोडेड स्ट्रिंग। इस स्ट्रिंग को लोड किया गया है इसलिए यहां पर टाइटनेस है, ठीक है। दूसरी बात, ये जो टेंशन फोर्स होता है ये हमेशा ऑब्जेक्ट से दूर भागता है। कहां लगता है? स्ट्रिंग में। दूर मतलब इधर भी भाग सकता था? नहीं, क्यों? क्योंकि यहां स्ट्रिंग नहीं है, स्ट्रिंग उधर है, ऑब्जेक्ट से दूर भागता है, ठीक है। अब हमको क्या करना है ये समझिए। मान लीजिए ये कोई एंगल है अल्फा, अच्छी बात। तो हम लोगों को करना यह है कि इस टेंशन फोर्स को दो कंपोनेंट में तोड़ना है। याद रखिएगा कंपोनेंट्स में हम केवल वेक्टर को तोड़ सकते हैं, तो टेंशन एक फोर्स है और फोर्स एक वेक्टर है, तो टेंशन इज इनडायरेक्टली और डायरेक्टली आप कह सकते हैं कि वेक्टर है। तो ये अल्फा है, हमको क्या करना है? इस टेंशन फोर्स को दो कंपोनेंट में तोड़ देना है। तो हम इसको तोड़ते हैं कैसे? कंपोनेंट्स में, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में। कैसे तोड़ सकते हैं? ऐसे, ये हो गया एक कंपोनेंट, ये हो गया दूसरा कंपोनेंट। अगर ये थीटा है तब तो, सॉरी अल्फा है, पक्का है कि ये भी अल्फा होगा, इंटरनल अल्टरनेट एंगल, ठीक है। अब अगर ये भी अल्फा है तो अल्फा मतलब एंगल जिस कंपोनेंट के साथ होता है वो कॉस कंपोनेंट होता है,
एंगल जिस कंपोनेंट से दूर होता है वो साइन कंपोनेंट होता है। ऐसा देखने में लग तो रहा है कि ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है, तो वाई एक्सिस है इसलिए इसको जे कैप कह देंगे, और ये एक्स एक्सिस है इसलिए इसको इसको क्या कह देंगे, इसको हम लोग आई कैप कह देंगे, हो जाएगा ना। हाँ, और इस तरह से हम लोगों ने क्या सीखा कि कैसे हम किसी भी वेक्टर को उसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में तोड़ सकते हैं, ठीक है, अलोंग वाई एक्सिस, अलोंग जेड एक्सिस, अलोंग एक्स एक्सिस। अगर मान लीजिए ये थ्री एक्सिस में तोड़ना हुआ, मान लीजिए अगर ये कोई वेक्टर है, देखिए यहाँ पर अगर ये कोई वेक्टर है, वेक्टर ए, इसका तीन कंपोनेंट है, एक्स एक्सिस के अलावा, वाई एक्सिस के अलावा और जेड एक्सिस के अलावा, तो यहां पर हम लोग लिख सकते हैं ए एक्स, ए वाई, ए जेड। तो इसको हम लोग पर्टिकुलरली दिखाने वाले कैसे हैं, इस तरीके से ए इज इक्वल टू क्या क्या लिख सकते हैं, ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। अब आपके मन में एक सवाल आएगा, वो क्या, एकदम सिंसियर बच्चे के स्टूडेंट में ये सवाल जरूर आएगा कि ये अगर अलोंग एक्स एक्सिस है और थीटा भी इसी डायरेक्शन में है तो ये कॉस कंपोनेंट होगा, ये साइन कंपोनेंट होगा, तो आखिर ये कौन सा कंपोनेंट होगा। इस बात को सीखने के लिए हम लोग इसके अगले वीडियो को जरूर देखेंगे, तब तक के लिए आप इतना फॉलो कीजिए और इतने को प्रैक्टिस कीजिए और देखिए कि किस तरह से हम लोग रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में किसी भी वेक्टर को तोड़ सकते हैं, ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय।